डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2018 का एक वेक्टर्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेट सी वेक्टर इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर। इफ मॉड ऑफ सी इक्वल टू टू एंड वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइन एट सेम एंगल अल्फा टू बोथ ए एंड बी, देन 8 cos² α का वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए डॉट बी 0 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं और इस तरह से दो वेक्टर बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है इस तरह से, ए और बी वेक्टर। तो आपको पता ही है जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर वो कैसा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल होता है दोनों के प्लेन के, ठीक है ना। तो चलिए, आपको ए डॉट बी 0 दिया हुआ है और सी वेक्टर जो है एक इस तरह का वेक्टर है आपके पास में। सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड एट सेम एंगल अल्फा टू बोथ ए एंड बी, यानी ऐसा समझो सी वेक्टर अल्फा से और इधर में अल्फा से ये बी वेक्टर से इंक्लाइंड है। मॉड ऑफ ए, सारा डाटा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ सी इक्वल टू 2। इतना लिखने के बाद सवाल बहुत इजी हो गया, ठीक है ना। तो आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है सी इक्वल टू, आपको किसी तरह एक्स और वाई का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो एक्स और वाई का फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इस इक्वेशन को बारी बारी से एक बार डॉट करो, डॉट विथ ए वेक्टर, इस इक्वेशन को डॉट करेंगे ए वेक्टर से तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, सी डॉट ए इक्वल टू यहां पर एक्स इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर यानी 1 प्लस वाई इंटू ए डॉट बी, वाई इंटू ए डॉट बी और ये कितना हो जाएगा, 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में ए डॉट बी। तो यहाँ वाई इंटू 0 प्लस ये वाला जो होगा आपके पास में ए क्रॉस बी डॉट ए, ये क्या होता है, 0 के बराबर होगा। तीनों में से कोई भी दो सेम हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपको मिल रहा है और सी डॉट ए मॉड ऑफ सी, मॉड ऑफ सी कॉस अल्फा यानी 2 cos α इक्वल टू एक्स, इसको एक नंबर इक्वेशन दे दो। इसी तरह से ये जो इक्वेशन है इसको डॉट कर देंगे विथ डॉट विथ बी वेक्टर, जब बी वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, सी डॉट बी यानी सी डॉट बी इक्वल टू एक्स इंटू ए डॉट बी 0 प्लस वाई मॉड ऑफ बी स्क्वायर 1 प्लस फिर से आपको ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए क्रॉस बी डॉट बी ये फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो आपको यहां से दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, यह फिर से हो जाएगा 2 cos α, 2 cos α इक्वल टू वाई, दूसरा नंबर इक्वेशन। अब आपको इस ये जो यहां पर में है इस सी का अगर हम लोग मॉड निकाले, सी का मॉड ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर बी वेक्टर और ए क्रॉस बी तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी वेक्टर और ए क्रॉस बी तीनों परपेंडिकुलर है। तो तीनों का अगर हम लोग यहाँ पर सी का मॉड लिखेंगे, आई कैन राइट मॉड ऑफ सी इक्वल टू, तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया यानी अंडर रूट ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस इसका मॉड वाई स्क्वायर और ए का मॉड 1 बी का मॉड 1, तो ये 1 1 मल्टीपल हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर यानी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर यानी मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू साइन 90 यानी 1, और ये कितने के बराबर है आपके पास में, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां पर मैं मॉड ऑफ सी कितना के बराबर है, 2 इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास में 4 cos² α प्लस 4 cos² α यानी 8 cos² α प्लस 1। तो आपको पूछा गया है 8 cos² α, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे 4 - 1 यानी 3, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया 8 cos² α इक्वल टू
इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 cos² अल्फा इक्वल टू 3। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था।